91,701 रुपये। वाह भाई वाह, मोस्ट ऑफ द सरकार में 44,023 रुपये। वाह भाई वाह, मोस्ट ऑफ द, वाह बिल्कुल, 152,351 रुपये। वाह भाई वाह, ये किसका है? 36,381 रुपये। और ये 109,146.73 रुपये। वाह भाई वाह, बिल्कुल मोस्ट ग्रेट, 92,600 रुपये। और इसी तरह के बहुत सारे हैं, इस पर लिखा हुआ है 141,147 रुपये। भाई साहब मौज कर दी। और इसी तरह के बहुत सारे हैं, और मेरे नु समझ में नहीं आती लोग पागल क्यों हो रहे हैं, केस होता है केस आम है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले बात यह है कि आपका बालक सरकारी नौकरी खातर फार्म भरवाओ है तो किसी दुकान पर जाओ है तो वो आपने एक प्रिंट आउट काट के देख लिया भाई तेरा फार्म भर गया, उसके बाद बालक का एडमिट कार्ड आवा, उसके बाद बालक का टेस्ट होगा, उसके बाद बालक का फिजिकल होगा, उसके बाद बालक का मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद बालक की सरकारी नौकरी लगेगी। इससे डाले आपने बीमा करवाया था तो यह बीमा की सिर्फ रसीद है, जो बालक का आपने बालक ने फार्म भरवाया था वो फार्म की रसीद है यार। और इसलिए था कि लोग पागल हो रहे हैं, मेरे एरिया में आए हैं तो इतने लोग बावड़े हो रहे हैं कि वो केस होता आ गया, इसका मुझे राशि लिखी गई है। तो यह राशि आपकी लिखी गई है कि आपने बीमा इतना रुपया कटवाया, आपके बैंक खाते से 6,351.64 रुपये कटे हैं। अगर आपका यह बीमा पास हो गया है तो आपने 141,147 रुपये मिलेंगे, और इसके अलावा कोई वो नहीं है। और कई किसान ऐसे है, मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे किसान नहीं है तो वे किसान के हैं, बैंक में भी चले गए हैं और बैंक में जाकर उन्हें एंट्री भी करवा ली है, बैंक में भी भीड़ मचा रखी है और जगह जगह लेके इसमें घूम रहे हैं कि हमारा बीमा पास हो गया, बीमा पास हो गया। तो यो सिर्फ एक कागज है, कुछ नहीं है, जो आपका जो बीमा आपने करवाया था उसकी पूरी जानकारी है कि आपके बैंक खाते से इतने रुपये कटे हैं और आपकी जो राशि आओगी वह आपकी फसल जिस हिसाब से खराब हो रही है उसकी गिरदावरी होगी, उसका हिसाब से ही आपकी जितनी भी आओगी 50%, 70%, 80%, 90% या पूरी 100% जिस भी खराब होगी उसका हिसाब से आपकी जो बीमा राशि है वह आपके बैंक खाते में आ जाओगी। तो आपकी अगर फसल खराब हो रही है तो आपने घबराना नहीं, दिक्कत नहीं है, आपका जो कागज आ रहा है तो ये सिर्फ बीमा आपका हो गया, वो कागज है और कुछ नहीं है। और अगर फसल खराब हो रही है तो गिरदावरी के हिसाब से पटवारी या तहसीलदार या फिर अन्य गिरदावर जो आएगा वो उसमें चेक करके आपकी चढ़ा देगा और आपका जो बीमा राशि है वो जल्द आपके बैंक खाते में आ जाओगी। और इसकी जो प्रॉपर कोई अपडेट आओगी, बीमा आओगे तो उसकी प्रॉपर जानकारी आपने इस चैनल पर मिलती रहेगी। बेफालतू की वीडियो देखना छोड़ दो, इस चैनल में सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ऑन कर लो और हमारी आने वाली वीडियो पर बुढ़ापा पेंशन के बारे में उसकी कंप्लीट जानकारी आपने देवांगे कि कैसे बुढ़ापा पेंशन बना है और क्यों किसी की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है तो बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बनी, उसकी प्रॉपर पति A to Z विद प्रूफ के साथ गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इस चैनल में सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ऑन कर लियो और इस चैनल पर आपने बढ़िया और बिल्कुल जेन्युइन चीज बिल्कुल प्रूफ के साथ मिलेंगी सारी चीज, तो फटाफट चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लियो।